कैसे आप सब भाई, होप कि आप लोग वॉचिंग। सो गाइस हैप्पी मकर संक्रांति एडवांस वगैरह। अगर आप लोग भी कुछ इस टाइप का फोटो एडिट करना चाहते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं? अगर आप लोग नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो चलते हैं फटाफट मोबाइल के स्क्रीन पे और फटाफट सिखाता हूँ कि कुछ इस टाइप का फोटो आप लोग कैसे एडिट कर सकते हैं। फटाफट से मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाना होगा। मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद आप लोग क्या करना होगा, अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेना होगा। मैं फटाफट से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर ले रहा हूँ। पिक्सआर्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। सिंपल से आप लोग प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑल फोटो का ऑप्शन शो हो रहा है, आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर बैकग्राउंड का, यहाँ पर बैकग्राउंड का इमेज रखा हूँ गाइज। आप लोग भी ये वाला इमेज अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल से आप लोग कुछ नहीं करना होगा, आप लोग को जाना होगा इस वाले ऑप्शन पे जिस पे लिखा दिखाई दे रहा होगा टूल्स। आप लोग इस पे क्लिक कर देंगे टूल्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है, आप लोग इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे इसको आप लोग क्रॉप कर लेना। यहाँ पर पोस्ट वाले ऑप्शन पे देख सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, आप लोग इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आपका जो भी इमेज का साइज होगा वो एडजस्ट कर लेगा। इतना आप लोग को ऐड फोटो पे क्लिक कर देना होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऐड फोटो का ऑप्शन शो हो रहा है, इसको जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सीधा आप लोग गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ पर अपने फोटो को चूज कर लेंगे जिसका भी आप लोग बैकग्राउंड रिमूव करके रखे होंगे। अगर आप लोग को बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से इजिली सीख सकते हैं कि अपना बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो गाइज आप लोग कुछ नहीं करना होगा, इसको एडजस्ट कर लेना होगा अपने अकॉर्डिंग। तो मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर ले रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। देख सकते हैं मेरा फोटो यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो चुका है। सिंपल से आप लोग थोड़ा देख सकते हैं मेरा फोटो यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। आप लोग यहाँ थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर शेडो का ऑप्शन हो रहा है, आप लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप का शेडो का ऑप्शन हो रहा है। आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे और अपने मॉडल का यहाँ पर शेडो बना लेंगे। तो मैं इसको अच्छे से इसकी ओपेसिटी को कम करके थोड़ा अच्छे से इसका मैं शेडो बना ले रहा होगा इस। तो देख सकते हैं अपने हिसाब से इसको अच्छे से शेडो बना लेंगे। इतना करने के बाद आप लोग इस वाले ऑप्शन पे चले जाना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर और भी ऑप्शन इसमें शो हो रहा है, आप लोग उसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे अपने मॉडल के अकॉर्डिंग। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरा शैडो बनकर रेडी हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो यहाँ पर रियलिस्टिक तरह देखने में। सो आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो यहाँ पर रियलिस्टिक की तरह लगने लगा देखने में। सिंपल से फिर से जाना होगा ऐड फोटो में गाइस। ऐड फोटो में जाने के बाद मैं आप लोग को ये वाली भी पीएनजी दे दूंगा गाइस जो मैं यूज करता हूँ। मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर ये मंजे की पीएनजी। अच्छे से इस मंजे को ले आना है गाइस, यहाँ पर अच्छे से अपने हैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर देना होगा। तो मैं फटाफट इसको सेट कर दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर रिमूव कर देंगे फटाफट से जाके इरेजर से। आप लोग थोड़ा अच्छे से यहाँ पर टाइम देंगे तो अच्छे से यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। सिंपल से आप लोग देख सकते हैं मैं मंजा भी रख दिया हूँ इस पर। इतना करने के बाद आप लोगों को चले जाना होगा फिर से ऐड फोटो में गाइस। ऐड फोटो में जाने के बाद आप लोग ये ब्लैक वाली पीएनजी लेगा गाइस। तो ब्लैक वाली भी पीएनजी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजिली मिल जाएगी। तो फटाफट से ब्लैक वाली पीएनजी यहाँ पर सेट कर दे रहा हूँ। पीएनजी रहेगा देख सकते हैं ये वाला पीएनजी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके इजिली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर देंगे क्योंकि आपका फोटो यहाँ पर रियलिस्टिक लगने लगेगा देखने में। इतना करने के बाद सिंपल इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद आप लोग को सिंपल से इस फोटो को सेव कर लेना होगा फटाफट से। मैं इसको फोटो को गैलरी में सेव कर ले रहा हूँ। इतना करने के बाद सिंपल से फिर से जाना होगा होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे जाने के बाद आप लोग को नेट को ऑन कर लेना होगा। तो मैं फटाफट से नेट ऑन कर ले रहा हूँ। नेट ऑन हो जाने के बाद आप लोग को सिंपल से रेमडी एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेना होगा। जैसे कि आप लोग रेमडी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यहाँ पर देख सकते कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ रहा है गाइस। तो मैं थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूँ और एच डी के लिए अप्लाई कर देंगे। तो मैं फटाफट से इस फोटो को सेलेक्ट करके एच डी के लिए अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो गाइस आप लोग को थोड़ा सा इसका एड वॉच कर लेना होगा। तो मैं थोड़ी देर इसका एड वॉच कर ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग एड वॉच करेंगे तभी आपका यहाँ पर शो हो पाएगा, यहाँ पर एच डी के लिए अप्लाई हो पाएगा। तो मैं थोड़ा सा एड वॉच कर ले रहा हूँ गाइस। सिंपल इस कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ऐड को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो बन के रेडी हो चुका है। मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को बिफोर आफ्टर कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर एडिट हो चुका है और कलर भी अपने अकॉर्डिंग मैच हो चुका है गाइस और एच डी भी हो चुका। आप लोग देख सकते हैं मैं आप लोग को जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ बिफोर आफ्टर। आप लोग देख सकते हैं मेरा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर एडिट हो चुका है। तो आई होप कि आप लोग हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा लोग इस बात शेयर करें। तो गाइस आप लोग यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा है, आप लोग इस पर करके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को।